का खाक में आता है। इसलिए आज जो हमारी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में और देश में, जो संविधान है वो खाक में की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में सबसे गौरवशाली लोकतंत्र भारत का रहता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को बोलने की आजादी, अपने अधिकारों से लड़ने की आजादी, अपने हकों को पाने के लिए बोलने की आजादी, ये उनका क्षेत्र में समाज से होता रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करने हैं, 2000 के बाद यह लड़ाई एक अंतिम लड़ाई तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लड़ाइयां आगे भी होंगी, लेकिन अगर यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई नहीं होगी, परिणाम परक लड़ाई नहीं होगी, यादगार परक लड़ाई नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए कि आप और आपका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में बंद हो जाएगा। इसलिए आप क्या इसे स्वीकार करेंगे, क्या आप खुले मन मैदान जंग में लड़ना स्वीकार करेंगे? यदि लड़ना स्वीकार करेंगे तो हमारे साथ हाथ खड़े करके आप बताएं कि हम लड़ेंगे, हम मर मिटेंगे, हम संघर्ष में रहेंगे, लेकिन हमारे आप सबकी एकता और जो हमारे सामने संकट है, यह घुट घुट करके नौकरी करने से क्या मतलब है? आज जो नौजवान आता है गुप्ता साहब, आप उनको 10 साल से ज्यादा सेवा में भी दोगे अरे भी चेहरा चमकता हुआ आ रहा, लेकिन जो है 20 साल का नौजवान, 21 साल का नौजवान सेवा में आ रहा है, 40 साल में जो है अरे को व्याधियों की ओर बदल रहा है। व्याधियों के बाद छोड़िए, हम जब पुरानी पेंशन की बात करते हैं, पुरानी पेंशन जब आप देखिए लोकसभा विधानसभा राज्यसभा विधान परिषदों में जब लोग शपथ ले लेते हैं ये लोकतंत्र से, तो जितने भी शपथ लेते हैं उतनी उसको जो है पेंशन की व्यवस्था मिलती है, लेकिन ये 23 साल में गोरे गोरे गाल लेके फुस फुस शरीर लेके 20 से 35 साल तक सर्विस करते हैं, तो वापसी में काले काले गाल चिपते चिपते गाल तमाम व्याधियों को लेकर के रिटायर होते हैं। तो ये पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए नौजवान मित्रों आप सबसे अपील कर रहे हैं, आज लड़ाई बहुत ही तुरंत ही पूर्ण जगह पर आए, ऐसे मुहाने पे है, हमें पीछे नहीं आना है। हम रास्ते में सफर कर रहे थे, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, वर्तमान के जो बिजली के मैनेजमेंट है जो पूरी तरह हिंदुस्तानी रवैये से काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो बौली दौड़ रही है कैसे दौड़ना है, मान्य आप छोटी लेके दौड़ना है, लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात मांग रहे हैं, आपके हितों साई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम सरकार की बात नहीं मान रहे, जनता से चुने मंत्री की बात नहीं मान रहे, समझौते हो चुके, गजब का दुर्भाग्य है। निश्चय ही ये लड़ाई केवल सहारनपुर नहीं होगी, ये संख्या शक्ति मोहन के सातवें तल भी पहुंचने वाली है, यह मैं आपको बताऊंगा। अपने नेताओं पे भरोसा रखना, आपका जो नेता है पूरे कुर्बानियों से खेलने के लिए उतर चुके हैं, मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ, क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे आपने देखा, पिछले लड़ाई में जब आंदोलन समापन हुआ तो हमने पहला समझौता किया कि हमारे ये सिपाही ये हमारे जो सैनिक इस बैनर रूपी जो कप्तान के इशारे पर पूरी तरह से सड़कों पर एक जो है समर्पित फौज की तरह लड़ते हुए मैदान में जंग कर रहे थे, उनके साथ विपक्ष का जो बैठा हुआ व्यक्ति है, तमाम प्रकार के भाले छोड़े उन्हें घायल करने का प्रयास किया, उसे भी चोट को समाप्त करना हमारे दायित्व था, इसलिए हमने समझौता किया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न यथा निलंबन सस्पेंशन निष्कासन वेतन की कटौती अथवा अवकाश